Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Firstly guys, thank you so much for all your love on my previous law of attraction videos. Guys, मुझे इतना सा भी आइडिया नहीं था कि आप लोगों को वो वीडियो इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी. आई एम सो हैप्पी एंड कॉमेंट्स तो ओ माई गॉड, नॉट जस्ट योर, इवन माई फ्रेंड्स वर सीइंग द कॉमेंट्स एंड दे आर लाइक, ईशा आई थिंक तुम्हें ऐसे वीडियोज और बनाने चाहिए बिकॉज पीपल आर रियली लाइकिंग इट. एंड इससे मालूम पड़ता है हाउ मेनी पीपल आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स हैपन फॉर देम, बट उनसे कुछ ना कुछ गलती हो रही है, बी देयर थॉट प्रोसेस और बी समथिंग. बट आई रियली रियली होप आपको मेरे वीडियो ने हेल्प किया होगा. मेरी हर वीडियो के साथ है ना एक मैसेज हमेशा जाता है, क्या कि मुझे आपको कोई ना कोई तरीके से हेल्प हमेशा करना होता है. सो गाइज, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा मजा आने वाला है, हेल्प शायद नहीं हो बट बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपकी आज की वीडियो में. बिकॉज टूडेज वीडियो इज यूट्यूबर्स एंड फैमिली मेंबर्स गिव मी डेयर्स फॉर अ डे. ओ माई गॉड गाइज, आई एम सो 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 एक्साइटेड बिकॉज ऐसी टाइप की वीडियो स्पेशली डेयर. ओके, तो मैं कॉलेज या स्कूल में ना आई वॉज ऑलवेज अ नर्ड, लाइक अ गर्ल हु स्टडीज, अ गर्ल हु डजंट टॉक, बिल्कुल भी स्पोर्टी लड़की नहीं थी. ओके, एंड नॉर्मल जो फ्रेंड्स के साथ ट्रूथ एंड डेयर वाला गेम भी ना, उस टाइम पर अगर मुझे डेयर आता था तो मेरा हार्ट बीट फास्ट होने लगता था. मैं ऐसी लड़की थी, लाइक यू नो बता ना, कोने में बैठी रहेगी, शांत अपना पढ़ाई लिखती रहेगी, मैं वैसी लड़की थी, राइट? तो मैं बिल्कुल भी स्पोर्टी नहीं रही हूँ मेरे लाइफ में. बट नाउ दैट आई एम ऑन YouTube, I thought why not do a dare challenge like this with the YouTubers and family members. तो आपको thumbnail से तो मालूम पड़ी चुका होगा कि YouTubers and family members कौन है जो मुझे आज dare देंगे. I am super duper excited and सबसे ज़्यादा ना मुझे खुशी पे बहुत you know ये हो रहा है, because जब मैंने उसको बोला you have to give me a dare, she was like you know, वो पूरा devilish smile ही नहीं होता, उसने वैसा वाला शक्ल बनाया, she like let me think. और उसने अभी तक मुझे नहीं बताया, उसने बोला मेरा जब turn होगा ना मैं देखो तब बताऊंगी, अभी मैं देखो नहीं बताने वाली. तो आई एम रियली नर्वस फॉर खुशी, बिकॉज मुझे पता है खुशी को पता है मुझे क्या क्या चीजें नहीं पसंद है और वो शायद मुझे उसी में से कुछ देने वाली है. एनीवेज गाइस, सो मूविंग अहेड, सो गाइस मैंने ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है. मुझे लगा कोई मुझे अगर ऐसा डेयर दे दे तो यू डोंट हैव टू ईट फॉर सो एंड सो आवर्स, इसलिए मैंने अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से हैवी किया है. एंड सेकंड थिंग, आई थॉट आई वांट टू शेव माय हैंड्स एंड लेग्स एंड कीप पहले से ही, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई तो मुझे ऐसा डेयर देगा, यू नो, कि गेट डाउन, डांस इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक या ये. तो एंड मैंने आई थिंक एक महीना ऊपर हो गया कि मैंने ठीक से मेरे हैंड्स एंड लेग्स इतना शेव नहीं किए हैं. आई रियली लाइक माई हैंड्स एंड लेग्स टू बी शेव्ड, स्पेशली व्हेन आई एम वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स. सो गाइस, टुडे आई एम गोना डू माई शेविंग रूटीन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस एज वेल. सो गाइस, टू शेव माई हैंड्स एंड लेग्स टुडे आई विल बी यूजिंग दिस सिरोना 4-ब्लेड कार्ट्रिज रेजर. मुझे ये रेजर बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट टू यूज, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये. सो गाइस, मुझे ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग यूजिंग अ रेजर, कि रेजर सही है क्या, नहीं बाल ठीक आते हैं क्या, नहीं. गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग, आप सब ना रेजर के मैटर में बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो. ओके, आई टेल यू समथिंग, 2 years पहले तक मैं वैक्सिंग करती थी, ठीक है, 2 years पहले तक. फिर मेरी जो वैक्सिंग वाली दीदी जो है वो मैटरनिटी लीव पे चली गई, बिकॉज ऑफ विच शी कुडंट कम टू वैक्स. तो उस टाइम पर मैंने अपने फर्स्ट रेजर की तरफ यू नो आई शिफ्टेड, एंड दैट टाइम आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग द रेजर. एंड तब मुझे मालूम पड़ा कि कितना ईजी, कितना अफोर्डेबल एंड कितना टाइम सेविंग है. ऑफ कोर्स वैक्सिंग भी फटाफट कर ही लेते हैं, बट वो बहुत पेनफुल भी होता है, बट गाइस दिस इज एब्सोल्युटली पेनलेस एंड बहुत ही इजी हो जाता है. अब आप एक क्वेश्चन मुझे पूछेंगे कि ईशा आपके बाल थिक आते हैं क्या, नहीं. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आई एम गोना बी बस्टिंग वन मिथ हियर, योर हेयर विल नॉट ग्रो थिक आफ्टर यू शेव. गाइस, आई हैव बीन शेविंग सिंस 2 years, मैंने अपनी वैक्सिंग वाली दीदी को बुलाया नहीं है उस टाइम से, बिकॉज मुझे इतना अच्छा लगा ये चीज. एंड कितना फास्ट है, लाइक अभी मुझे कोई शूट आ गया तो आई क्विकली जस्ट गो टेक दिस रेजर, इमिडिएटली रिमूव ऑल माई हेयर एंड आई एम गुड टू गो. गाइज, ये इतना ईजी एंड क्विक होता है एंड बाल बिल्कुल थिक नहीं आता है, होप आई एम क्लियर. सो गाइज, लेट मी शो यू हाउ आई यूज दिस रेजर. You all know my hack of the conditioner. Applied some conditioner on my hands and now I'm going to start shaving with this one. So guys, like you can see, the razor is gliding so easily on my skin and just one stroke, and I don't have to like run it again and again. Just one stroke and all my hair is out. This razor gives a very smooth shave because of aloe vera and vitamin E lubricant strip. It also gives a very close shave because of the pivoting head. Also guys, one good thing is that there is very less wastage because of the replaceable head.
No cuts, no skin irritation, and a very close shave in just few seconds. So guys, like you can see, my hands are super smooth. I have also applied the post shaving or waxing gel. It's a super duper calming gel. I just take a little in my hands like this, and then मैं पूरे हाथों पे लगा देती हूँ, जिसके वजह से हाथ और भी ज़्यादा smooth हो जाते हैं, and you get that waxing kind of effect जैसे कि आप सबको चाहिए, तो ये वैसे हो जाते हैं. And now see my skin, how beautiful it's looking. So guys, in case if you want to get your hands on this razor by Sirona, then you can use my code ESHA20 and get an additional 20% off on their website. All the links will be given in my description box. So guys, hands and legs are shaved. I'm tension free now. अगर मुझे कोई छोटे कपड़े पहनाकर बाहर भेजे तो मुझे टेंशन नहीं होगा. Disclaimer, I like my hands and legs shaved. Especially I'm wearing short clothes because that's how I like it. If you don't like your hands and legs shaved, it's completely all right. It's all on personal preference. So guys, moving ahead with the first dare challenge for today. Let's see who's the first YouTuber who's going to give me a dare. Hi Isha, thank you so much for having me as a part of your video. For your dare today, I gave you something super silly but super fun. Call a random number from your phone and tell him ki main tumhare bacche ki maa banne wali hu. Let me see what their reaction is, and I really hope you do this. All the very best. Firstly guys, Sara ka aaj birthday hai. Please wish her in the comment section. Go spam her comments. It was really sweet of her to send me a dare video on her birthday, because I know birthdays are really really busy. Thank you Sara. And a very very happy birthday to you. But Sara, तुमने जो मेरे को dare दिया है, it's really very scary. कोई भी unknown number को phone करो और उसको बोलो मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ. Okay, let's do this, guys. बहुत डर लग रहा है, but करना पड़ेगा. Dare है. I'm gonna dial any number right in front of you, and I'm gonna call. Let's go. So I'm gonna call any number. 9867. Okay, gonna keep her on him or her on speaker. I hope it's. Hello. Hello. Huh? कौन बोल रहा है? बोलो, कहाँ बोल रहे हैं? हाँ? आप कहाँ बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हो? अरे बताइए आप कहाँ बोल रहे हैं? मैं बर्गनी बोल रहा हूँ. अच्छा, अरे मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, पता है ना आपको? हेलो. 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 हाँ. सुना आपने? हेलो. हेलो. हाँ. सुना आपने? Yeah. I really can't because that guy was very he didn't look like or didn't sound like a nice man, or I don't know why, because jaise hi maine bola to he's like, huh, kaun bol, matlab yaar phir se nahi hoga, I'm really sorry. इसलिए मैंने कट कर दिया, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि शायद वो लोग मुझे फिर से कॉल करें या कुछ करें, बट इट्स रियली स्कैरी यार. मुझे लगा कि मैं बोल दूंगी, बट वो जो सामने वाला जो बंदा था, ही रिएक्टेड लाइक अच्छा, हाँ, मतलब अच्छा नहीं बोला उसने, हाँ, मतलब उसकी बातों में ऐसा लगा दैट ही इज इंटरेस्टेड एंड ही वॉन्ट्स टू टॉक मोर. ओ गॉड, आई कांट डू इट, आई एम सो सॉरी. आई थिंक मेरा फर्स्ट डेयर फेल हो गया, या पता नहीं इसको फेल बोलेंगे या पास, आप मुझे बताओ, बिकॉज मैंने तो फोन करके बोल दिया. अब सामने वाले का रिएक्शन बहुत ऐसा था कि हाँ, मतलब वैसा रिएक्शन था, इसलिए मैं थोड़ा यू नो यहाँ पर डर गई, सॉरी, इसलिए मैंने कट कर दिया. So guys, moving ahead to the second day for today, it's by Alfia Khan. Let's see what Alfia has to give me. Hi Isha, thank you so much for asking me to be a part of your video. I hope it's going well so far. Now for your dare, I'm asking you to eat a vada pav. Obviously, that's not the dare. You have to add chyawanprash to it. Now add some good layer of chyawanprash as a form of your vada pav chutney. And enjoy it to bits. I can't wait to see what your reaction is. All the best. Okay guys, so Alfia ne mujhe kaha hai ki mujhe vada pav khana hai, isliye maine vada pav manga diya. Ekdam
गरम गरम वड़ा पाव है एंड चटनी के बदले मुझे लेना है च्यवनप्राश. च्यवनप्राश मेरे घर पे नहीं था तो मुझे च्यवनप्राश भी मंगवाना पड़ा. सो दिस इज माई च्यवनप्राश एंड आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस च्यवनप्राश एज माई चटनी. सबसे पहले तो गाइस आप सबको पता है कि मैं डाइट पे हूँ. चीट करने मिल रहा है फिर भी ऐसे चीट करने मिल रहा है कि मुझे चटनी के साथ च्यवनप्राश के साथ खाना पड़ रहा है. बट ठीक है, ये एक डेयर है एंड वी विल ट्राई दिस आउट. ओके, च्यवनप्राश ले लिया है मैंने. ओ माय गॉड, बचपन में ना मम्मी एवरी डे रात को सोने के पहले च्यवनप्राश खिला के मेरे को सुलाती थी, तो वो वाला स्मेल याद आ गया मुझे. नॉस्टैल्जिक. च्यवनप्राश मुझे पसंद था बट आई डोंट नो विद दिस कैसा लगेगा, बट ठीक है. सो गाइज, ये मेरी पाव, ये मेरी वड़ा एंड आई एम गोना टेस्ट च्यवनप्राश वड़ा पाव फॉर द फर्स्ट टाइम. इट्स एक्चुअली गुड. ओह माय गॉड, एक मिनट. Guys, I'm not kidding. वो जो मीठी चटनी होती है ना, मुझे वो टेस्ट आ रहा है. हाँ थोड़ा सा तीखा तीखा लग रहा है, जो च्यवनप्राश का जो आफ्टर टेस्ट होता है ना वो लग रहा है, बट थैंक यू अल्फिया. इट्स नॉट बैड, ट्रस्ट मी. और मैंने अच्छी क्वांटिटी ली है. वड़ा का टेस्ट तो आ रहा है और उसके साथ मीठी चटनी हो गई है च्यवनप्राश मेरी आज. I'm gonna finish this offline. Nicely relish my favorite वड़ा पाव. I don't know after how many months I'm eating. And फिर बारी है खुशी की टू गिव मी डेयर. सबसे शैतान डेयर देने वाली, आई एम वेरी वेरी श्योर. तो लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से. मैं ये खत्म करके वापस आती हूँ. खुशी. ओके, सो ईशाज डेयर इज यू हैव टू प्रैंक पाखी एंड टेल हर दैट यू आर प्रेग्नेंट. व्हेन शी टोल्ड मी दिस ऑफ कैमरा लाइक आई लिटरली शैट इन माय पैंट्स बिकॉज पाखी को बोलना मतलब आई कांट इवन थिंक हाउ विल शी रिएक्ट. I don't know. I feel like Pakhi will be thoda like the caring parent type. Like she will give you a solution instead of shouting at you because you're like. हाँ. I hope. Yeah, she's not gonna shout. According to her, I'm a very responsible girl. So तुमसे ये गलती कैसे हो गई? ये भी हो सकता है तो. Okay, so we'll wait for Pakhi to come back home. And in fact, वो अभी थे घर पे, but she had to leave for work. But मैं गई भी देखने के लिए उनको, but अभी possible नहीं था कुछ करना because I have to set the camera and everything. So I think I'll have to postpone this for later or tomorrow in the morning. Tomorrow being Sunday, she might be home. She's not working. I can't wait to see her reaction. Seriously, even I can't wait. And I think I'll burst out laughing. Please don't. She wanted to do it over the phone, but I was like, there's an impact in that. Yeah. Look her in the eye and tell her. Yeah. It's just that. Just help me with the setting of camera. Yeah, that's what she's scared about. ठीक से सेट नहीं किया तो ना आवाज तो आएगी. But still, I want you guys to see. I think it will be fun. Yeah. So guys, let's hope for Pakhi to come as soon as possible, and then you will see the reaction. करना क्या है?
अगर कहीं कुछ होता है तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे तो क्या है? और मेरे को मैं तुमसे डिस्कस कर सकती हूँ, लाइक मैं कैसे किसको, मैं सोच रही थी कि किसको बोलूँ और करूँगी तो फिर ये मतलब नहीं, पहली बार जैसे होता है तो डेढ़ महीने में टेस्ट करवाना सॉरी चुकी है नॉर्मल ह्यूमन बींग से तो कुछ ना कुछ गलतियाँ तो होंगी ना, पहले तुझे कन्फर्म तो बोले तुम्हारी उस इंसान के साथ में नहीं जमेगी ये सोच के तुम मत करो, एक चांस अगर तुमको देना है और नए लोग सोचेंगे कि माँ हो तो ऐसी, बच्चे ने गलती करके आया लेकिन बच्चे को कितने सही से चीज़ सही राह दिखा रही है। सो खुशी ने मुझे डेयर दिया था दैट गो एंड प्रैंक पाखी, एंड प्रैंक पाखी देखते फ्रीक आउट होती है क्या नहीं, बट आई थिंक गाइस पाखी डिड अ वेरी गुड जॉब। ऐसे ही नहीं बट रियली स्वीट, आई डोंट थिंक कोई और मदर ऐसे रिएक्ट करती थी, बट वेरी नाइस, थैंक यू पाखी। सो पाखी अब आपको मुझे एक डेयर देना है, व्हाट डू यू थिंक? मुझे बहुत उल्लू बना लिया तुम लोगों ने मेरे को, है ना, तुम भी हनी भी, अब तुमको मैं डेयर दूंगी तो समझ में आ जाएगा। एक काम करना, खूब सारा आइस लेना और टी शर्ट में डाल के एक मिनट के लिए होल्ड करना और मुंह में खूब सारा पानी लेना सेम टाइम पे, हाँ, और मुंह में होल्ड करना। व्हाट? यस, तुमको पता है मेरे को ठंडी लगती है बहुत। यस, मुझे जो मतलब एकदम ट्रॉमेटिक वाली चीजों में डाल देते हो तुम लोग, एंड यू कीप मेक मी थिंक एंड देन आई स्टिल हैव माय पेशेंस एंड लाइक कोई नहीं, हम लोग टैकल करेंगे सिचुएशन को। अब कुछ दिन पहले हनी ने भी किया था उनको तो एग्जैक्टली तुम लोगों को भी करना पड़ेगा ये सब, अभी बहुत हो गया तुम लोगों का, रुको चलो हो जाओ शुरू, बहुत हो गया नाटक तुम्हारा। ओके सो दिस आई डालो बेटा डालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाउ इज इट? वाओ, यू वांट मी टू स्टार्ट योर टाइम नाउ? Time starts now. हो गया पेशेंस, यही तो सीखा है जिम में, पेशेंस होल्ड करना सीखो, होल्ड करो। What the hell? You were 35 seconds. Oh shit! I'm so sorry. मेरे से पानी बाहर आ गया। Because मुझे खांसी आ गई। मुझे थोड़ी बहुत खांसी और उसके वजह से सब बाहर आ गया। हंस रही थी तुम इसके लिए? हाँ, शायद वो भी होगा। So Paki, I failed, I think, but fail का क्या होता है? वो फिर से नहीं करने वाली। एक ही बार था, मेरे नाक में चला गया। ओह गॉड, ओह शिट, हटा लो जी। सो गाइज दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो, माई क्लोथ्स आर स्टिल वेट बट आई वॉज लाइक चेंज करके नहाने के पहले मैं आप लोग के साथ वीडियो खत्म कर देती हूँ। सो गाइज आई होप यू फाउंड दिस वीडियो रियली रियली एंटरटेनिंग इंटरेस्टिंग, लेट मी नो इफ यू वॉन्ट लाइक अ पार्ट टू एंड विथ वॉट इन्फ्लुएंसर्स और विथ वॉट विच फैमिली मेम्बर्स यू वुड वॉन्ट टू सी दिस वीडियो विथ, डू लेट मी नो। एंड गाइज दैट्स इट फॉर नाउ, गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड
please do subscribe to my channel and help me in this new journey of mine. Bye.